पुलिस एक्शन की तैयारी में है। बाबा की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस तथ्य जुटाने में लगी और इस बीच बाबा के काले साम्राज्य को लेकर कई खुलासे भी हुए हैं। बल तैनात है बाहर जो आश्रम के गेट्स हैं, उन दोनों गेट पर। ये तो बाबा का साम्राज्य है, देखिए तमाम कमरे हैं जहां पंखे लगे हुए हैं, जहां पर बाबा की सेना रहा करती थी और यहां पर परेड भी हुआ करती थी। और यहां से ठीक सामने आप देख सकते हैं कि वो आश्रम है जो लग्जरी आश्रम है। 12 कमरे बताए जा रहे हैं इस आश्रम के अंदर है, जिनमें 6 कमरे बाबा के इस्तेमाल के लिए हैं और 6 कमरे उसके खास ट्रस्टी और जो लोग थे उनके लिए हैं। साथ ही साथ अंदर एक मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट भी बना हुआ है जिसमें अलग अलग शेफ थे। एक पूरा आलिशान साम्राज्य सुनहरे गेट के पीछे भोले बाबा का था। अब फिलहाल पुलिस दोनों गेट पर तैनात है। बाबा के इस आश्रम की भी पूरी राजस्व की रिपोर्ट, जो लैंड की रिपोर्ट है वो राजस्व डिपार्टमेंट लेकर गया है। 4 साल पहले करीब ये इसे गिफ्ट में मिली थी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बाबा के तमाम जो संपत्तियां हैं वो सभी उसे गिफ्ट में मिली हैं। अलग अलग जगह के जो आश्रम है उनकी भी जांच की गई है और साथ ही साथ पुलिस इंतजार में आदेश के, बाबा अंदर ही है, जैसे ही आदेश आएगा वैसे ही ऐसा कहा जा रहा है कि बाबा की गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल बाबा के खिलाफ क्या मामले हैं, जो पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, चाहे वो आगरा में दर्ज हुआ हुआ मामला हो या राजस्थान में दर्ज हुआ मामला हो या फिर एटा में दर्ज हुआ हुआ यौन शोषण का मामला हो, इन तमाम जो आपराधिक मामले हैं उनकी जांच की जा रही है। और उसके बाद ही, चूंकि मामला काफी बड़ा है, बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और इस पूरे मामले में एक बड़े समुदाय जिसको मानता है ऐसा धर्म गुरु भी शामिल है, लिहाजा प्रशासन किसी तरह की कोई चूक नहीं करना चाहता और कार्रवाई करने से पहले सबूत पुख्ता कर लेना चाहता है, जानकारी हासिल कर लेना चाहता है इस पूरे इंसिडेंस के पीछे क्या वजह थी। कहीं ये साजिश का तो नतीजा नहीं था या फिर इसके पीछे किसी की सुनियोजित साजिश तो नहीं थी और ये घटना क्या हुई है, इसकी रिपोर्ट का इंतजार अभी फिलहाल प्रशासन को है। आश्रम है और बाबा जो है, जो भोले बाबा है वो आस्था का केंद्र है उस पूरे समुदाय का, जो उनके भक्त हैं वो उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक फैले हुए हैं। आप देखिए कि हाथरस के अंदर ही 1 लाख से ज्यादा लोग आ चुके थे। इससे पहले भी ऐसा बताया जा रहा है कि बाबा ने इस प्रोग्राम को कराने के लिए एटा इटावा में भी संपर्क किया था लेकिन परमिशन नहीं मिल पाई, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, जिसके बाद हाथरस में परमिशन ली गई। लेकिन बताया जा रहा है कि हाथरस में जो परमिशन ली गई थी उसमें बताया गया था कि 80,000 लोगों के आने की संभावना है और साथ ही साथ ये पूरा आश्वासन दिया गया था डिटेल के साथ में कि जो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम है वो इनके वॉलंटियर्स के द्वारा किए जाएंगे, तमाम जो नियम कायदे उनको पालन किया जाएगा। और यही वजह रही कि शायद प्रशासन या पुलिस की तरफ से इस पूरे आयोजन को लेकर लापरवाही रही, लेकिन इसमें इस पूरे मामले में जो खुफिया विभाग है, LIU डिपार्टमेंट है हाथरस का, उसके ऊपर भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इतने लोग लगातार जुटते चले गए और खुफिया विभाग को कानो कान भनक नहीं हुई और अधिकारियों तक ये जानकारी नहीं पहुंची। अभी फिलहाल तमाम चीजों की जांच की जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस गेट के बाहर, जो सुनहरा गेट है बाबा के आश्रम का, उसके बाहर पुलिस के जवान तैनात है और एक दूसरा गेट है उसके बाहर भी पुलिस के जवान तैनात है। इसके अलावा ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो सड़क दिख रही है आपको, ये पक्की RCC की सड़क है, करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क है जो आश्रम से लेकर बाहर मेन रोड तक जाती है। ये भी बाबा ने अपने खर्चे से बनवाई है, मतलब आने में परेशानी ना हो इसके लिए एक सड़क तक बाबा ने बनवा दी है। ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं, ये 21 बीघे का, ये पूरा बाबा का साम्राज्य है, वो चबूतरा है जहां पर बाबा के आयोजन होते हैं और इस आश्रम के अंदर लग्जरी लाइफ स्टाइल जो भोले बाबा है वो अपनी बिता रहे हैं। अभी भी फिलहाल अंदर है और जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि सुबह के समय जो उनका फेवरेट नाश्ता है वो बनाया गया और नाश्ता भी किया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। पुलिस के जो जवान हैं वो यहां पर तैनात हैं सिर्फ आदेश के इंतजार में, क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है, आस्था से जुड़ा हुआ है, एक ऐसे भोले बाबा से जुड़ा हुआ है जिनको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से और आस्था की दृष्टि से एक बड़ा समुदाय देखता है, बड़े संख्या में भक्त हैं। ऐसे में बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पुख्ता हो जाना चाहता है। जैसे कि मैंने बाबा का साम्राज्य दिखाया, आश्रम के सामने की ये पूरी जो बिल्डिंग है, यहाँ पर इन कमांडोज की ट्रेनिंग होती थी, उनकी परेड होती थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योद्धा थे उनको गरुड़ योद्धा कहा जाता था, जो बाबा के साथ चलते थे, ब्लैक कमांडोज थे और इनकी खास बात यह थी कि इनमें से कोई भी 6 फुट से कम का नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा महिला टुकड़ी अलग थी, पुरुषों की टुकड़ी अलग थी, सेवादार अलग थे, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया था। जब बाबा का कोई सम्मेलन होता था या प्रवचन होता था तो बाबा के आसपास उसके गरुड़ कमांडो सुरक्षा दिया करते थे, जो काफिले के साथ भी चलते थे और काफिले को रूट दिया करते थे। उसके बाद फिर नारायणी सेना और दूसरे जो उसके सुरक्षा कर्मी है, सेवादार है,
उनका रोल हुआ करता था, और सबसे आखिर में जो आम पब्लिक थी उसके उसके लिए एक बैरिकेड लगा दिया जाता था, जहां पर अंदर किसी तरह का, इस हाथरस वाले मामले में दिखा, किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में भी जांच हो रही है कि जैसे ही बाबा ने मंच छोड़ा, उसके फौरन बाद ही उनके तमाम सेवादार, तमाम सुरक्षाकर्मी, जो उनकी नारायणी सेना थी, वो सिर्फ बाबा के इर्द गिर्द, भोले बाबा के इर्द गिर्द आकर इकट्ठी हो गई और उनको किसी तरह से रवाना किया, जिसके चलते वहां पर किसी तरह का समझाने वाला या फिर रास्ता दिखाने वाला किसी तरह का कोई सेवादार मौजूद नहीं था।